फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अरुण शर्मा, कुंडली विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष इन ग्रहों का कुछ रहस्यों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज इस दौर में पूरे संसार को एक वैश्विक महामारी कोरोना, जिसका नाम है, ग्रसित किया हुआ है। मेरा अपना मानना है कि इस सृष्टि का संचालन या नेतृत्व करना वो शनि ग्रह के अधीन आता है, और 24 जनवरी 2020 से जिस वक्त शनि ने अपनी राशि परिवर्तन किया, उस वक्त से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि एक वैश्विक महामारी कोरोना नाम का वायरस पूरे संसार को प्रभावित किए हुए है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, आकस्मिक मौतें हो रही हैं, और ये वायरस बहुत तेज़ी से पूरे संसार को अपने आगोश में समेटे हुए है। मेरा अपनी जो गणना इन ग्रहों के विषय में आती है, उसका मानना यही है कि मैं 23 जनवरी से, मैंने देखा भी है और कहा भी है कि इस महामारी में पूरे संसार को जबरदस्त तरीके से आघात होगा, और जो कि आप देख भी रहे हैं कि हो भी रहा है, आकस्मिक मृत्यु हो रही है, अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा चुकी है। 21 जून 2020 में ये जो मिथुन राशि पर सूर्य, चंद्र और राहु की युति है, जिसकी वजह से 120 वर्ष बाद जबरदस्त सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, इसका भी काफ़ी इस पूरी प्रकृति, इस पूरे संसार पर असर होगा, जो काफ़ी हानिकारक होगा और होने हो भी रहा है। ये मैं देख भी रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं कि इसके, देखिए कि आत्मबल का कहीं ना कहीं कमज़ोर होना, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ावा होना, समाज में अराजकता होना, हिंसा होना, कहीं ना कहीं नेतृत्व की जो क्षमता है वो कमज़ोर होना, ये सब दर्शा रहा है। और ये अभी कम से कम मेरा अपनी जो गणना आती है वो ये आती है कि जब तक, क्योंकि ये नेतृत्व की क्षमताओं को जो बल देते हैं वो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य ही इसके कारक माने जाते हैं ज्योतिष की गणना के अनुसार, और सूर्य का राहु से ग्रसित होना तथा देवगुरु बृहस्पति का 29 जून 2020 तक अपनी नीच राशि के परम अंशों पर उपस्थित रहना, ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में अभी और वृद्धि होती है जो मुझे दिखाई दे रही है। और मेरा मानना ये है कि इस वक्त जून के अंतिम सप्ताह तक इस वैश्विक महामारी कोरोना के स्तर में बहुत तेज़ी से उन्नति होगी। ये वायरस बहुत तेज़ी से जगह जगह जहां अब तक इसका प्रभाव इतना नहीं हो पाया वहां फैलेगा, और कहीं ना कहीं इस वायरस से पीड़ितों की संख्या में बहुत तेज़ी से इजाफा होने की स्थिति मुझे दिखाई देती है। किंतु ऐसा नहीं है, ये अराजकताएं, ये प्राकृतिक आपदाएं या ये आत्मबल की कमी, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक ठहराव आने का इशारा भी प्रतीत होता है, जो कि 30 जून 2020 में बृहस्पति का स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में वापस आकर के विराजमान होना तथा 23 जून 2020 से राहु ग्रह का मिथुन राशि पर गोचरीय प्रभाव धीरे धीरे कम होना तथा 23 सितंबर 2020 में इस मिथुन राशि को पूर्णतः गोचरीय प्रभाव कम समाप्त करते हुए वृष राशि में गोचरीय प्रभाव हो जाना, मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक, ऐसा मुझे लगता है कि हमारे कहीं ना कहीं विश्व के जो साइंटिस्ट हैं, जो इस वैश्विक महामारी की दवा खोजने में लगे हुए हैं, उन्हें प्राप्त हो जाती है, और 23 सितंबर तक पूर्ण रूप से हम इस कोरोना महामारी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने अभी जैसा आपको जानकारी दी कि 30 जून 2020 से देवगुरु बृहस्पति का अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि में आना तथा 23 जून 2020 से राहु का इस गुरु राशि, मिथुन राशि का गोचरीय प्रभाव को धीरे धीरे छोड़ देना, ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल को भी बढ़ोतरी देता हुआ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक आपदाओं में भी कहीं ना कहीं रोकथाम होती दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की क्षमताओं में भी वृद्धि होती दिखाई देती है। ये जो ग्रहण 21 जून 2020 में होने जा रहा है, ये लगभग 120 वर्ष बाद इस प्रकार का ग्रहण होने जा रहा है, जो कि काफ़ी आप देख भी रहे हैं, अभी कुछ दिनों से हमारे समाज में अराजकता का कितना प्रभाव बन चुका है, कितनी सामाजिक हानियां हो रही हैं, जन हानियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं आत्मबल में कमजोरियां भी हो रही हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो नेतृत्वकर्ता हैं उनकी क्षमताओं में भी कहीं ना कहीं कमी आती जा रही हैं।
तो ये सब कारण मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति का नीच अंशों पर होना, सूर्य का धीरे धीरे अपने गोचरीय प्रभाव को कमजोर करते मिथुन राशि में आना, ये सब सभी इन चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने जैसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम लें, सब चीज़ें धीरे धीरे अनुकूल होती चली जाएंगी। मैंने आपको तारीखें बताई हैं, इन तारीखों से आप परिवर्तन भी देखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, आत्मबल भी बढ़ेगा, विषमताएं भी कहीं ना कहीं जो समाज में बनी हुई हैं इनमें भी कहीं ना कहीं कमी आती प्रतीत हो रही है, और ऐसा होगा। बस मैं आपसे एक यही कहना है, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा धैर्य और संयम से थोड़ा कार्य करें। मेरा मानना है कि सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, प्लस अपने घरों में सफाई तथा अपने घर के आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें तथा नित्य प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें, इन सब विषयों से शीघ्र अतिशीघ्र हमें मुक्ति मिलने की संभावनाएं प्रबल होती हैं।